गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note सीरीज के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप Redmi कंपनी के लवर्स हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक एन वीडियो, दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं ट्रायंगल ग्रुप चैनल। तो गाइस फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note सीरीज के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 12 Pro Plus। Redmi कंपनी स्मार्टफोन को मार्केट में कब लॉन्च करेगी, क्या प्राइस होने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल के साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और हाँ गाइस, ये वीडियो कॉन्सेप्ट बेस होने वाली है, कंप्लीट डिटेल को जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। और ऐसी मजीद लेटेस्ट आपको स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे Redmi Note 12 Pro Plus के कैमरा सेटअप की। इस स्मार्टफोन के बैक साइड पे 4 कैमरास का सेटअप दिया जाएगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा, बाकी दोनों कैमरास 2-2 मेगापिक्सल के दिए जाएंगे। साथ आपको एलईडी फ्लैश भी दी जाएगी। मेन कैमरे की मदद से आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। अगर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की, फ्रंट पे आपको 5 सेल्फी शूटर कैमरा दिया जाएगा जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा, जिसकी मदद से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। स्मार्टफोन के साथ आपको 5000 एमएच की बड़ी बैटरी दी जाएगी। साथ आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर इस बेल्फोन के बॉक्स के साथ दिया जाएगा जो स्मार्टफोन को 38 मिनट में 0-100 फुल चार्ज करेगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की, नो डाउट ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन में लगाई जाएगी MediaTek Dimensity 1200 की 5G की चिपसेट। आप कोई भी हैवी गेम हाई फ्रेम रेट्स के ऊपर स्मार्टफोन पर आसानी से रन कर सकेंगे। सो गाइस अब बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले फीचर की। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.6 इंच का है। 7/24.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी जाएगी। एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 की है। रेजोल्यूशन 1080 की दी जाएगी। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया जाएगा। अगर बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन के लिए आपको कोने गुरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर दी जाएगी। और स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो सुपर एम्बुलेट की है 1 बिलियन कलर्स के साथ। पिक्सल डेंसिटी 400 की दी जाएगी, नेट स्ट्राइव 700 का देखने को मिलेगा और नेट स्पीड 1200 के दिए गए। नो डाउट Redmi की कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया। आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट एंड डिस्प्ले दिया जाएगा। USB-C टाइप की पोर्ट दी जाएगी। 3.5mm का ऑडियो जैक दिया जाएगा। एंड्रॉइड V12 का सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में रन करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, पाकिस्तान में स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 64,000 है और इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में 35,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है। बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। ये स्मार्टफोन अगस्त 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च होगा। सो गाइस आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेल फोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।